जानता हूँ गजेंद्र सिंह, इंसानों की खाल ओढ़े हुए एक आदमखोर जंगली कुत्ते के घर, इस गांव में रहने वाले राक्षसों के घर। बिल्कुल सही कहा तुम। मर जाओ आदमखोर। तुम मौत शराब पीने जा रहे हो, पागल हो गए हो। मैं पागल हो गया हूँ, शराब पीने जा रहा हूँ। गमों की आंख से कलेजा चल गया है। सोनियो वेला जड़ा है ना, वेला बड़िया बड़े दी आकड़ तोड़ के रख देंदा। आज एक ऐसे सुपरस्टार दी गल तुहाडे नाल मैं सांझी करन लगा वा कि जिन्ने बिल्कुल जीरो तो स्टार्ट लिया, इन्नी स्ट्रगल कीती उस बंदे ने, क्योंकि इंडस्ट्री विच उहदा कोई अपना नहीं सी, कोई रिश्तेदार सलाम दुआ वाला नहीं सी, ते पैसा भी है नहीं सी। फिर इन्नी ज्यादा मेहनत कीती उस बंदे ने कि अपने वक्त दा सुपरस्टार बनिया, अपने वेले दा उस तों वड्डा, 80 दी दहाई दा उस तों वड्डा अदाकारी कोई नहीं सी। पर फिर भी वड्डे वड्डे हदायतकार उस बंदे नूं हीरो नहीं सी लैणा चाहुंदे अपनी फिल्मां च, इन्नी ज्यादा आकड़ रखदे सन। फिर रब सोहणे ने आकड़ किस तरह तोड़ी उहनां दी, अज उह वाकिआ तुहाडे नाल मैं शेयर कर लगा। फिर उस बंदे ने भी गिण-गिण बदले लए। आओ फिर तुहाडे नाल मैं इहनां दा पूरा वाकिआ रखना जी, अदाकार मिथुन चक्रवर्ती साहब दा, ते जिन्हां ने 70 दी दहाई तों स्टार लिया ते 80 दी पूरी दहाई विच छाए रहे, वड्डे वड्डे अमिताभ बच्चन ते ये वो सब नूं जिहड़ा मिले इस बंदे ने मात दे के रख दित्ती। आओ फिर पूरी कहानी तुहाडे तक शेयर करने आ। लेकिन उस बंदे ने बहुत कुछ सिखिया सुल्तान राई कोल। सुल्तान राई साहब दा ते उहदा पता नहीं, इको तरह दा कोई फिल्मी लाइफ इको तरह दी है। आ जाओ कोई थोड़ा जिन्ना देख जो चौल तुहानूं चखाने आ, चस आएगी तुहानूं वाकिआ सुण के। चैनल तो नवे होते मोहब्बत ना सबसक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, कमेंट बॉक्स में यह दसो कि तुम्हारा फेवरेट त्रीन हीरो केड़ा है, सुल्तान राई या मिथुन चक्रवर्ती या दोनों? मेरे तो दोनों ही ने भाई। सोनी जिस तरह शुरू शुरू तो सुल्तान राई साहब फिल्मों में आए ना, तो 70 की दहाई दे स्टार्ट या 60 की दहाई का एंड जो होने वाला से, हालांकि 50 की दहाई बी तो फिल्मों में आन डे ने, लेकिन एक्स्ट्रा फाइटर करी जा रहे ने, पिछे नहीं हट रहा बंदा, मेहनत करी जा रहा। एक एक अद्धे अद्धे सीन टॉकी सीन वास्ते भी बंदे ने जिहड़ी वो स्ट्रगल कीती। ते फिर अपने वेले दा 70 दी दहाई तो लग के जनाबे वाली तबाहियां फेर दित्तियां। लेकिन उस वेले भी अदाकार उर्दू फिल्मों के हदायतकार नजरुल इस्लाम साहब ते हसन तारिक साहब, जेडे कि नदीम, मुहम्मद अली, वहीद मुराद, शाहिद, इन्हों सिर्फ जो अदाकार समझते, राई साहब अदाकार नहीं समझते कि पंजाबी फिल्मों का लाउड बोलने वाला ये वो सारा कुछ। लेकिन की आते हैं कि वक्त मनवा देता होंगे अपना आप, ये राई साहब को लैके फिल्म ही नहीं बनाते होंगे, इन्ने गुरूर से आकड़ से उन्होंने, एक राई को अदाकार नहीं मानते। तो फिर राई ने इन्नी क मेहनत की कि रब सोने ने भाग लाई, तो फिर ये बंदे मजबूर हो गए राई साहब को अपनी फिल्मों कास्ट कर, क्योंकि ये फिल्म बना लेंदे सर, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर कोई नहीं चुकता, फिल्म खरीदता कोई नहीं, मजबूर राई साहब ने बाद बनी बनाई फिल्म के राई साहब का छोटा जिन्ना कोई रोल बना के पा के फिर फिल्म वेचते होंगे, भी पाकिस्तान की तारीख में दर्ज है गल। इस तरह ही इंडिया में बॉलीवुड में मिथुन का बहुत बड़ा सुपरस्टार होया, लेकिन उस बंदे ने भी राई साहब वांगू जरा ना स्टार्ट जीरो तो लिया, इंतहा की मेहनत की उस बंदे ने। खुशियां मत मनाओ सेठ, अगर तुम समझते हो कि प्रेम भैया के मर जाने से मजदूरी की आवाज दब जाएगी, उनका सर तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा। जब बंबई आया वो बंदा अपने शौक की तकमील वास्ते, ते काम नहीं सी मिलता हुंदा, खुद वो बंदा अपने मुंह कहिंदा कि मैं फुटपाथां ते जिहड़ियां वो दुकानां दे बाहर जिहड़े थड़े हुंदे ने उन्हां ते सौ के भी रातां कढ़ियां, ते कई कई दिन खाणा नहीं नसीब नहीं सी हुंदा, लेकिन मेहनत जारी रखी उस बंदे ने, ते फिर भाग लग गई उहनूं। 1976 की उहदी पहली फिल्म सी जिहदे विच बहुत अच्छा उन्होंने रोल मिलिया जी, जिहदे विच इन्हां नूं नैशनल अवार्ड पहली दफा मिलिया मेरी गिया फिल्म विच। फिर उस तो बाद मेहनत काफ़ी की, लेकिन फिर कोई वड्डा रोल नहीं सी मिल रहा, नैशनल अवार्ड पाने के बावजूद भी काम नहीं मिल रहा। वो जमाना ऐसा सी कि कपूर जिहड़े हीरोज ने उन्हां दा जमाना, अमिताभ बच्चन का जमाना, कि वड्डे वड्डे डायरैक्टर उन्हां नूं फिल्मों विच लैंदे सी, इस बंदे नूं लैंदा ही कोई नहीं सी। तो दो बहुत वड्डे हदायतकार उस वेले दे जी, चोटी दे हदायतकार जिहड़े एक ब्रांड सन, कि जिन्हां दी फिल्म कदी फ्लॉप नहीं सी होई, तो हमेशा वो वड्डी कास्ट नूं लै के ना, खासकर कपूर फैमिली दे हीरो ते अमिताभ बच्चन नूं लै के हीरो बनांदे फिल्म बनांदे रहे, जिन्हां विचों यश चोपड़ा किड्डा वड्डा नाम बॉलीवुड दा, दूसरे नंबर ते सुभाष गई बहुत वड्डा नाम, बड़िया बड़िया सुपरहिट फिल्मां इन्हां ने दित्तियां। यश चोपड़ा ने तो तुहानूं पता अखीर कर दी ना, ऐसा शानदार फिल्मां उन्हां दीआं, जिवें अमिताभ बच्चन नूं लै के उस बंदे ने दीवार बनाई, काला पत्थर बनाई, हां जी, फिर त्रिशूल बनाई,
लेकिन मित्तल फिल्म च हीरो नहीं सी लेंदे अपनी विच, क्योंकि पता नहीं को हसद बुगज रखते थी उहदे तों। पर की आंदे हुंदे जिहड़ा कोई नहीं हुंदा उहदा रब हुंदा, ते मेहनत रब दे नहीं ना किसे जाया करदा। वह बंदा मेहनत करता रहा, फिर सरकार मेरी 80 दी दहाई आ गई ते सुरक्षा फिल्म ने तबाहियां फेर के रख दित्तियां मिथन जी ने। फिर जो डिस्को डांसर आ गई है 82 विच, ते पूरी दुनिया का बंदा जरा रातों रात स्टार बन गया, छा गया। उस जमाने च 82 विच 100 करोड़ का बिजनेस किया सी डिस्को डांसर ने, जरा रिकॉर्ड एक। ते पूरी दुनिया दी कुड़ियां इस बंदे ते मरन लग पईआं, ते फिल्मां दीआं लाइनां लग गईआं सी। टाइम नहीं सी, डेटा नहीं सी हुंदीआं, इन्ना ज़्यादा काम कर रहा सी। लेकिन फिर भी सुभाष गई, यश चोपड़ा ते कुछ होर जिहड़े ने इस कैटेगरी दे जिहड़े डायरेक्टर सी, उह मिथुन नूं अदाकार नहीं सी मानदे, अपनी फिल्मां च कास्ट ही नहीं सी करदे। फिर यश चोपड़ा ने इन्हां नूं हीरो नहीं लिया मिथुन ने, फिर उन्होंने अमिताभ बच्चन नूं लैके सिलसिला फिल्म बनाई, क्या सी फलॉप हो गई, क्योंकि 80 दी दहाई लोकी वेखना ही मिथुन नूं चाहुंदे सन, दुनिया दीवानी सी उस बंदे दी। लेकिन ये फिर भी उहदे हसद विच उहनूं छड्ड के दूजे हीरोज नूं लै के काम करी जा रहे ने, ते बेड़े अपने घर करी जा रहे ने। असल विच ना 1978 विच यश चोपड़ा फिल्म बना रहे सन त्रिशूल, अमिताभ बच्चन नूं लै के, बड़ी सुपरहिट मूवी है 78 विच, कि अपने काम पाउण वास्ते ना मिथुन जिहड़ा इन्हां दे दफ्तर गया कि यश जी मैनूं भी काम दिओ। लेकिन उन्हें उस बंदे ने काम नहीं दिता, नवा मुंडा कास्ट कर लिया। उन्हें आख्या तेरे वास्ते रोल नहीं है, मैं नवा मुंडा कास्ट कर लिया, नवा हीरो लै लिया एक। चलो जी नहीं, इन्होंने मायूस जड़ा ना उन्हें पलटा दिता। ये भी तो किसी का मजाक उड़ाना ना किसी के फन का। चलो खैर, रब वारस हों, चलो जी ये वापस आ गए ने। 80 की दहाई जी फिर जो चली है, यश चोपड़ा जोड़े ने यह अमिताभ नू लैके फिल्म फलॉप होने लग पईआं। उधर मिथुन जी गुड्डी उड पई सी, क्योंकि इन्हें अमिताभ नू लैके जो सिलसिला बनाई है फलॉप हो गई। फिर फासले बनाई अमिताभ नू लैके, फिर डैड फलॉप हो गई। हुण मरदे की ना करदे, हीरो तो इक्को रह गया सी सुपरस्टार मिथुन, लोग वेखना उन्हूं चाहते सी। हुण फिल्मां तो तुसीं बनाउणियां बनाउणियां ने, घाटा तो कोई नहीं ना खांदा, चाहे किन्ना भावें को मनपसंद हीरो होए, लेकिन घाटा कोई नहीं खाना चाहता सोने। लिहाजा दो तो इन्होंने फलॉप कर लिया, लेकिन अगों जनाब लिए यहोजा रिस्क नहीं सी लैना चाहते, मजबूर हो गए, मिथुन के घर चल के गए। पहले त्रिशूल वास्ते वह उन्होंने कोल गया, ना कर दी, फिर मिथुन के कोल चल के बंदा गया। रब आसना आकड़ा तोड़दा यहोजे लोगों दी, गुरूर आसना टुटते होंगे ने। कभी भी वड्डे बोल या गुरूर बंदे नू नहीं, ये सारियां रब दीआं शानां ने। चलो जी जदों गए ने तो ये फिल्म बना रहे सन उस वेले विजय 1988 में जी रिलीज़ हुई, उहदे विच जिहड़ा अनिल कपूर का किरदार है ना, वह उन्होंने मिथुन दिता। चलो जी मिथुन दा ने जिहड़ा ना क्या उन्हें फिर भी इनकार नहीं किया कि मैं नहीं करनी, उन्होंने जिहड़ी है ना वो साइन कर ली फिल्म। लेकिन काम ही इन्ना सी कि डेटा नहीं सी दे रहे अगे, या तो उन्होंने ये पिछला जमाना है सी कि कीता सी इस बंदे ने उन्होंने नाल। जो डेटा नहीं दे रहे, मजबूर हो गए, तंग आ गया यश चोपड़ा, उन्हें फिर मिथुन की जगह से उस रोल वास्ते अनिल कपूर कास्ट कर लिया। ये फिल्म लगी लेकिन इन्हें कोई धमाल नहीं मचाई, क्योंकि मैं तुम्हें उस वे आख्या कि लोग पूरी दहाई में लोग सब तो बहुत वेखना ही मिथुन चाहते सी, तो सब तो बहुत फिल्मा उस जमाने में मिथुन आदि आई, तो सब तो बहुत सुपरहिट भी उस बंद दई। तो वे वे हीरोज उस जमाने के जिमें गोविंदा ये वो सारे सारे जनाबले उस बंदे नू वेख के कॉपी करके, उहदा स्टाइल कॉपी करके, उहदे वालां दे स्टाइल कॉपी करके, हेयर स्टाइल कॉपी करके, उहदी जिहड़ी एक ड्रैसिंग है, उहदे कपड़े पाउण दे अंदाज, उहदियां जुत्तियां, उहदे बूट, उहदा सारा कुछ कॉपी करके बड़े बड़े वड्डे वड्डे हीरो बने। दसण दा मकसद बेलियो इह वे कि यश चोपड़ा ने मूंह दी खाधी, कित्थे उहनूं अदाकार नहीं सी समझदा, ते चल के फिर उहदे घर गया, पहले उहनूं दफ्तर चों कढ़िया, काम ना दित्ता। तो फिर वो मालक है ना साहब नूं इज्जत देने वाला, शाना देने वाला, तो बदले भी वो मालक खूब लेंदा। जो तुसी गुरूर करदे हो तो रब तुहाडा गुरूर मिट्टी च मिला के रख देंदा हुंदा। लिहाजा एडे वड्डे डायरैक्टर नूं 80 दी दहाई विच नाकामियां दा मूंह वेखना पिया, कोई कामयाबी नहीं इस बंदे नूं मिली, पैसे जाया ही होए, ना खराब होया। हाँ जी, इस वास्ते सुणियो, कदी भी बंदे नूं जदों वो अचाइयां ते उड रिहा होए ना, तो गुरूर नहीं करना चाहिए। उम्मीद करांगा तुहानूं वाकया पसंद आया। मिथुन दा बहुत वड्डा एक लैजेंड फनकार है।
दिओ इजाजत फिर किसी होर वाक्य सेवा चाहते हैं जी अल्लाह।